तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आईफोन का। देख सकते हो स्क्रीन पे, ये रहेगा आईफोन। थोड़ा मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, ये आईफोन, ये आईफोन का एक्स मॉडल है, जो कि आपको बता दूं ये फोन आईफोन की कॉपी है और हुबहू आईफोन जैसे ही लग रहा है। आप देख सकते हो ऐसे लग रहा होगा जैसे ये आईफोन ओरिजिनल हो। तो ये आईफोन एक्स है और उसका जो बैक पैनल है वो व्हाइट कलर का है। और आपको बता दूं ये मैंने फोन 2-3 दिन पहले ही खरीदा था और मुझे मालूम था ये फोन कॉपी है, लेकिन सिर्फ एक उसका वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि जो लोग आईफोन रखने का जो शौक रखते हैं लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है, जिनके पास में ज्यादा बजट नहीं हो लेकिन फिर भी आईफोन रखने का शौक रखते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस फोन के अंदर क्या है और क्या नहीं है, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये रहेगा, ये कैमरे का जो शेप रहेगा और यहाँ पे आईफोन का लोगो रहेगा और ये पूरा का पूरा हूबहू जो मॉडल है, पीछे का जो बैक पैनल है ये आईफोन एक्स की तरह दिखाई देगा। और उसी के साथ में अगर हम यूएसबी टाइप की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईफोन जैसा ही यूएसबी टाइप रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये रहेगा वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस का बटन रहेगा, आप आवाज को इंक्रीज और माइनस भी कर सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पे एक बटन रहेगा जो कि आईफोन में भी रहता है, आप वाइब्रेट भी कर सकते हो, साउंड को म्यूट भी कर सकते हो। तो ये वाला भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, बोले तो पूरा का पूरा हूबहू आईफोन जैसा ही दिया हुआ है। तो देख सकते हो ये रहेगा पावर ऑन ऑफ का बटन रहेगा। तो अभी मैं आपको फोन को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फंक्शन क्या है और कौन से नहीं है। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इस फोन के अंदर जो फंक्शन है वो हूबहू आईफोन जैसे है या नहीं। तो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ। तो देख सकते हो ये है अपना फोन, जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा आईफोन जैसा लुक दिखाई दे रहा है। इसकी जो स्क्रीन की जो लाइट है, स्क्रीन की लाइट है और ऊपर का जो डिजाइन वगैरह है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे आपने आईफोन, आपके पास में आईफोन है। तो यहाँ पे टॉर्च लाइट रहेगी और यहाँ पे रहेगा कैमरा रहेगा। डायरेक्टली अगर आपको टॉर्च चालू करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप टॉर्च चालू कर सकते हो, टॉर्च चालू। तो अभी मैं इसका जो लॉक रहेगा उसको स्वाइप अप करके मैं लॉक को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने लॉक को ओपन कर दिया है, तो देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे यहाँ पे फंक्शन बहुत सारे नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे आप आईफोन यूज कर रहे हो। अभी आप देख सकते हो ये रहेगा नोटिफिकेशन पेज रहेगा जो कि आईफोन का नोटिफिकेशन पेज है। तो अभी हम आपको फंक्शन दिखाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे मैसेज वाला भी फंक्शन है, कैलेंडर वाला भी फंक्शन है, फोटोज वाला भी फंक्शन है और उसी के साथ में इसका जो कैमरा का भी फंक्शन रहेगा। तो इस कैमरे की जो क्वालिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करते हैं। तो हमने सेटिंग वाले फंक्शन को ओपन कर दिया है और देख सकते हो सेटिंग वाले फंक्शन को ओपन करने के बाद में फर्स्ट नंबर पे आता है सिग्नल इन योर आईफोन। तो इसका मतलब ये है अगर आप अपनी आईडी यहाँ पे डालोगे, आईडी यहाँ पे सेटअप करोगे तो ही आप इसके अंदर जो फंक्शन है उसका एंजॉय ले पाओगे। तो आप देख सकते हो इसके नीचे एरोप्लेन मोड है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सेलुलर है, उसी के साथ में पर्सनल हॉटस्पॉट भी रहेगा, कैरियर भी रहेगा, नोटिफिकेशन भी रहेगा, कंट्रोल सेंटर भी रहेगा, डोंट डिस्टर्ब भी रहेगा। और अभी हम इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जनरल, वैसे आपको पता ही होगा एंड्रॉइड फोन में अगर आपको रैम रोम का अगर पता लगाना तो आप अबाउट में जाते हो, तो वैसे ही आईफोन में अगर आपको रैम रोम का पता लगाने के लिए आपको जनरल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन को अपन क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर रैम रोम कितना है। वैसे इसके अंदर रैम रोम रहता ही नहीं है, इसकी जो कैपेसिटी रहती है तो उसकी जो कैपेसिटी आप देख सकते हो 256 GB रहेगा और इसके अंदर जो अवेलेबल है वो 251 GB रहेगा। तो नया फोन है, इसके अंदर अभी तक कोई भरा नहीं है, तो अवेलेबल 251 GB बता रहा है। और उसी के साथ में यहाँ पे वर्जन कौन सा आप देख सकते हो, एंड्रॉइड, सॉरी ये एंड्रॉइड का वर्जन नहीं रहेगा, आप वर्जन देख सकते हो, आप रीड कर सकते हो, कैरियर रहेगा और मॉडल हम आपको बताएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट का भी फंक्शन रहेगा यहाँ पे, कहने का मतलब हर 12 महीने सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा ताकि आप इजिली फोन को यूज कर सको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले और ब्राइटनेस का भी ऑप्शन रहेगा और उसी के साथ में वॉलपेपर का भी ऑप्शन रहेगा और उसी के साथ में यहाँ पे साउंड का भी ऑप्शन रहेगा। मैं आपको साउंड आपको सुना के दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा साउंड वाले फंक्शन को क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन सी रिंगटोन है। मैं आपको रिंगटोन एक एक करके सब सुनाऊंगा, आपको जो रिंगटोन पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो वाली आपको रिंगटोन पसंद आएगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी रिंगटोन है वो भी मैं आपको सुना के दिखाऊंगा। ये देखिए इसकी ये रिंगटोन रहेगी, ये देखिए ये थोड़ी आईफोन से हटके रिंगटोन है, तो आप देख सकते हो। और साउंड के बाद में अभी हम आपको बताएंगे फेस आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें फेस आईडी भी रहेगी और पासपोर्ट भी रहेगा। और इसमें जो बैटरी का जो लेवल रहेगा, बैटरी की जो कैपेसिटी रहेगी, अभी जिस टाइम पे मैं चला रहा हूँ उस हिसाब से देखा जाए तो ये 17% अभी बैटरी रही है और ये 26 मिनट और चलेगी, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरे अनुमान से अगर आपको 7999 के बजट में अगर आपको ये फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो इसके अंदर प्राइवेसी का भी फंक्शन रहेगा, आई क्लाउड भी रहेगा, आईट्यून्स भी रहेगी। और तो अभी मैं आपको बताने वाला उसकी कैमरा क्वालिटी, आप देख सकते हो इसकी जो कैमरा क्वालिटी, इसका जो सेल्फी कैमरा वो भी बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हो। और उसी के साथ में इसका जो बैक कैमरा है, बैक कैमरा भी काफी शानदार है, आप देख सकते हो। अगर आपको इसका जो कैमरा क्वालिटी अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं अगर उसकी जो कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, जो इसकी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है देखा जाए तो उसके अंदर जो लिखा हुआ 256 GB इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है, अब वो रियलिटी में 256 GB स्टोरेज है या नहीं वो तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उसको ज्यादा यूज नहीं किया। अब मान लीजिए अगर उसके अंदर स्टोरेज जो लिखा हुआ है 256 GB जो लिखा हुआ है कि 256 GB आपको स्टोरेज मिलेगा, और अगर आपको 256 GB स्टोरेज नहीं मिल रहा है और अगर 32 GB ही स्टोरेज अगर उसके अंदर फिक्स रहेगा तो वो भी गलत नहीं, क्योंकि 32 GB जो स्टोरेज है वो भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आजकल जो अपने एंड्रॉइड फोन खरीद रहे हैं उनके अंदर भी स्टोरेज जो मैक्सिमम जो स्टोरेज रहता है 7-8 हज़ार रुपए के बजट में तो 32 GB ही स्टोरेज रहता है। मेरे अनुमान से उन लोगों को ये फोन खरीदना चाहिए जिनका आईफोन खरीदने का शौक हो, जिनका सपना हो कि वो कम रेट का आईफोन खरीद सके और यूज कर सके। और उसी के साथ में उन लोगों को मैं ये भी बता दूं जो लोग इस फोन को खरीदना चाहते हैं, आपको पहले ही बता दूं इसका जो इंटरनेट की जो स्पीड है बहुत ही कमजोर है। इसके अंदर इंटरनेट का ऑप्शन तो है लेकिन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो स्पीड है उसकी जो इंटरनेट की स्पीड है बहुत ही कमजोर है, तो उसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि 7-8 हज़ार रुपए के बजट में आईफोन एक्स खरीद लोगे, आईफोन की कॉपी को खरीद लोगे और उसके बाद आप इंटरनेट का मजा उठाओगे, तो क्लियरली मैं आपको बता दूं इंटरनेट का सिर्फ उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इंटरनेट को सही तरीके से आप यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको पहले भी बता दूं अगर आपको एनी टाइम इंटरनेट की जरूरत पड़ती हो, अगर आपको व्हाट्सएप एनी टाइम चाहिए हो तो आप इस फोन को मत खरीदिए। अगर हम दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें, अगर आपने ओरिजिनल आईफोन अगर आपने यूज किया होगा तो आप किसी भी फंक्शन को जब क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक होते ही ओपन हो जाती है एप्लीकेशन या कोई भी फंक्शन, लेकिन जो फोन मैंने आपको दिखाया है उसमें अगर आप फोन शुरू करने के बाद में किसी भी फंक्शन को आप क्लिक करके ओपन करोगे तो थोड़ी देर के बाद में खुलेगा, तो कहने का मतलब ये फोन थोड़ा सा हैंग करेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आईफोन की कॉपी 7-8 हज़ार रुपए के बजट में मिल जाएगी और इसकी स्पीड फास्ट है, तो मैं आपको बता दूं जो लोग इस फोन को खरीदना चाहते हैं आईफोन एक्स की कॉपी को, तो इसकी जो स्पीड है बहुत ही स्लो है, यानी कि आप काम करते करते अगर आप किसी बटन को क्लिक करोगे तो 2 सेकंड के बाद में वो फंक्शन ओपन होगा, और अगर आपको स्पीड चाहिए और आप चाहते हो कि फंक्शन के ऊपर क्लिक होते ही फंक्शन फटाफट खुलना चाहिए तो मैं आपको बता दूं ये फोन उन लोगों के लिए नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इस फोन का वो है बैटरी। अगर आपने ओरिजिनल आईफोन एक्स अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा उसकी जो बैटरी है वो नॉर्मली 1 दिन तक चल जाती है, लेकिन उसकी जो बैटरी मैंने यूज की थी उसकी जो बैटरी है 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलती, तो इसका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप ये सोचकर इस फोन को खरीद रहे हो कि उसकी जो बैटरी 1 दिन तक चलेगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं इस फोन की जो बैटरी है 1-2 घंटे या फिर 2-3 घंटे ये चलती। तो दोस्तों मैंने आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया, अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर आप इस फोन को नहीं खरीदना चाहते हो फिर भी अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी, आप सोच समझ के ये फोन खरीदिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आईफोन ओरिजिनल है तो मैं आपको पहले बता दूं आईफोन ओरिजिनल नहीं है, ये आईफोन की तरह दिखने वाला सिर्फ आईफोन मॉडल है, आईफोन एक्स मॉडल है, ये आईफोन की कॉपी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।